मिली खोश प्रेजेंट्स डॉक्टर्स के साथ सवाल जवाब। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर आशीष सचिन। टुडे वी वुड लाइक टू नो अबाउट हर्निया फ्रॉम यू सर। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें बताएंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हर्निया। ग्रोइन हर्निया के सिम्टम्स हैं एक हेवी फीलिंग होना इंग्वाइनल रीजन में, इसके अलावा कई लोगों को स्वेलिंग डेवलप हो जाती है और खिंचाव आता है इंग्वाइनल रीजन में, पेन होता है। बहुत ही सीवियर केसेस में जिनमें इंटेस्टाइन का पीस भी आता है, उन केसेस में इंटेस्टाइन की स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। कई लोगों को आंतों में रुकावट हो जाती है, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। और एडवांस केसेस में इसमें इंटेस्टाइन का गैंग्रीन यानी कि आंते सड़ने का भी रिस्क रहता है। डॉक्टर आशीष सचिन, इफ यू कैन आल्सो टेल अस अबाउट व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हर्निया। हर्निया बेसिकली हमारी जो एक टिश्यू की लेयर होती है जो कि वीक हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में एब्डोमिनल वॉल की मसल्स हैं जो कि वीक हो जाती हैं, जिसको उस वीकनेस को हम लोग हर्निया कहते हैं। और इस वीकनेस की वजह से जो भी डैमेज लेयर है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि इंटेस्टाइन है या ओमेंटम है या कुछ फैट है, वो बाहर की तरफ बल्ज करने लगता है और बाहर की तरफ को प्रोट्रूड करता है, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग और पेन डेवलप होता है। वैसे जो हर्नियाज हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हो सकते हैं। अगर ग्रोइन रीजन में होता है तो उसे हम इंग्वाइनल हर्निया या फीमोरल हर्निया भी कहते हैं। अगर अम्बलाइकस यानी नाभि के पास होता है तो उसे अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा और भी मसल्स के बीच में हर्नियाज बनते हैं, मगर मोस्ट कॉमनली इंग्वाइनल हर्निया और अम्बलाइकल हर्निया ही देखे जाते हैं। इसमें जो भी कंटेंट आता है वो बाहर की तरफ बलून आउट करता है और एक सैक बनाता है, और उस सैक में या तो फैट का कंटेंट या फिर इंटेस्टाइन का कंटेंट नॉर्मली होता है। ज़्यादातर ग्रोइन हर्नियाज हैं वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और अम्बलाइकल हर्नियाज फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर आशीष सचिन, इफ यू कैन आल्सो टेल अस कि सर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होता है हर्निया में। सारे हर्नियाज में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, मगर अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या हर्निया का साइज बड़ा है तो उन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है। सारे फीमोरल हर्नियाज में सर्जरी की ज़रूरत होती है, और इंग्वाइनल हर्नियाज में या अम्बलाइकल हर्निया में जब भी हम सर्जरी के लिए जाते हैं तो इसमें दो कॉमन टेक्निक्स हैं सर्जरी की। पहली टेक्निक है ओपन सर्जरी और दूसरी है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। ओपन सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी को सेलेक्ट करने में डिपेंड करता है कि किस टाइप का हर्निया है, कितना बड़ा साइज है हर्निया का और उसका कंटेंट क्या है, या उसमें इंटेस्टाइन स्ट्रैंगुलेशन है या इंटेस्टाइन फंस गई है, गैंग्रीन हो गया है, इन सब चीज़ों पे, या पेशेंट एक हाई रिस्क कैंडिडेट है एनेस्थीजिया के लिए। इन सब चीज़ों को जज करके डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को टाइप ऑफ सर्जरी के लिए जाना चाहिए। ओपन सर्जरी में एक ओपन इंसीजन दिया जाता है हर्निया के लेवल पे, और उसके बाद जो भी कंटेंट बाहर आए हैं उन्हें वापस अंदर डाला जाता है। उसके बाद सर्जन जो भी वीक टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करते हैं आपस में, और जिससे कि कुछ भी बाहर की तरफ बल्ज ना करे। और उसके बाद उस एरिया को एक मेश से पैच कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, जिससे वो जो टिश्यू वॉल है मेश उसके ऊपर का स्ट्रेन ले लेती है और उस टिश्यू वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिससे कि हर्निया दोबारा ना बने। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी दो तरीके की है। इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और रोबोटिक सर्जरी होती है। इसमें स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, 5-10 मिलीमीटर का साइज होता है, जिससे इंसीजन जो है वो छोटे आते हैं और बॉडी टिश्यूज कम डैमेज होते हैं। और इसमें जो भी सेम टेक्निक ही यूज़ होती है, इसमें आप जो भी अंदर की लेयर है एक स्पेस डेवलप करते हैं उसके बीच में, और जो भी हर्निया का कंटेंट है उसे वापस पेट के अंदर डाल दिया जाता है। डिफेक्ट को क्लोज करके एक मेश लगा दी जाती है, जिससे कि एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और हर्निया की रिकरेंस नहीं होती है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का एडवांटेज है कि इसमें स्कार्स छोटे आते हैं तो कॉस्मेटिकली भी बेटर होता है। इसके अलावा टिश्यू डैमेज कम होता है तो पेशेंट को जल्दी रिकवरी होती है, डिस्चार्ज भी हॉस्पिटल से जल्दी होता है, सर्जरी के बाद पेन भी कम होता है और अपने ऑफिस वर्क के लिए भी जल्दी वापस रिज्यूम कर सकते हैं, तो रिटर्न टू एक्टिविटीज़ भी जल्दी होती हैं। एडवांस केसेस में जिनमें इंटेस्टाइन फंस जाती है और इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऐसे केसेस में अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। और अगर इंटेस्टाइन गैंग्रीन हो गया है यानी इंटेस्टाइन ख़राब हो गई है तो इंटेस्टाइन का पीस रिमूव भी करना पड़ता है। इसीलिए हर्निया ज़्यादा बड़ा ना हो उससे पहले ही हमें सर्जरी करा लेनी चाहिए, अदरवाइज गैंग्रीन वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है।